सभी व्यूवर्स को नमस्कार और सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की हमारी Q&A वीडियो में आपका स्वागत है। और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे चैनल पर और जिनका आंसर देना पॉसिबल नहीं हो रहा था। कम से कम 3-4 महीने से इतने सारे कमेंट पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग पूछ भी रहे हैं और कुछ लोगों की मेरे पे कॉल भी आ रही है कि इंदुर भाई कौन कौन सी यात्रा भी होने वाली है, थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म कीजिए। तो बहुत सारे सवाल जो हैं लिख रखे हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन कौन सी यात्रा भी होने वाली है और कौन कौन से आपके जो इंटरव्यू हैं आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी जो हमारा कल या परसों जो एक पॉडकास्ट होने वाला है जो कि हमारा न्यू अमर साउंड के साथ है और प्रॉपर अभी तैयारी कर रहे हैं उसकी, और उस पॉडकास्ट में जो है कि हरिद्वार की कांवड़ यात्रा और आपका मुरादाबाद की कांवड़ यात्रा और आने वाली जो शाकुंभरी यात्रा है उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे पूछे जाएंगे चिंटू भाई से, न्यू अमर साउंड के जो ऑनर हैं। तो वो पॉडकास्ट भी कल या परसों शूट हो जाएगा, वो मेरे चैनल पर आने वाला है। कोशिश करेंगे उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो व्यूवर्स करेंगे इस वीडियो में उनको भी मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो में कवर करने की। और इसके बाद जो है 25 तारीख को हमारा एक विसर्जन है DJ राधा स्वामी जो कि है हरिद्वार। DJ राधा स्वामी जो है मेरठ के हैं, सब लोग जानते हैं, काफ़ी फेमस साउंड है और उनके साथ हमारा टूर भी रहेगा। तो वो विसर्जन है आपका 25 तारीख को हरिद्वार में। और राधा स्वामी DJ राधा स्वामी जो है आपको बिल्कुल न्यू लुक के साथ इस यात्रा में आपको दिखने वाला है। और उस यात्रा को हम कोशिश करेंगे अच्छे से शूट करें और आपके सामने जो भी है अच्छी तरह से उस यात्रा को प्रेजेंट करें। और 25 तारीख को ये विसर्जन हमारा होने वाला है हरिद्वार में। और इसे जो सेटअप इसमें लगेगा 10 बेस का सेटअप लगेगा, बाकी देखते हैं इसमें लाइटिंग वगैरह का भी काफ़ी अच्छा सेटअप है। तो हरिद्वार में आपको 25 तारीख को DJ राधा स्वामी विसर्जन पर उनका एक सेटअप लग रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद जो रहेगा हमारा न्यू अमर साउंड का जो है शाकुंभरी देवी का जो अभी इवेंट जो चलेगा, जो यात्रा चलेगी, उसमें 23 से लेकर 27 तारीख तक उनका पूरा सेटअप जो है वहाँ पर रहने वाला है। डेट थोड़ा एक दो दिन इधर उधर हो सकती है, प्रॉपर जो मुझे पता 23 से 27 तक रहने वाली है। इस यात्रा को हम भी कवर करेंगे, सिर्फ आपको इसमें 25 तारीख का गैप मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और इसमें भी आपको काफ़ी सारा जो हमारा साउंड सेटअप लगाता है डिफरेंट सेटअप आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सहारनपुर से मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, तो भाई लोग आप लोग आना और सेटअप को प्यार देना, हम लोग मिलेंगे और साथ में व्लॉग भी कवर करेंगे। और इसके बाद फिर अपना विसर्जन मेरठ में चलेंगे, 27 के भी, 28 के भी, 29 के भी हैं, अधिकतर जो विसर्जन रहेंगे 28 और 29 को रहेंगे। तो कोशिश करेंगे मेरठ में जितने भी विसर्जन होंगे, जितने भी सेटअप आने वाले हैं, वो मैं आपको प्रॉपर दिखाने वाला हूँ। तो 28 और 29 को जितने भी विसर्जन मेरठ में होंगे, कोशिश करूँगा जितना हो सकेगा, मैं और मेरी टीम का जो एक मेंबर है, कोशिश करेंगे कि आपको विसर्जन की कम से कम 5 से 6 वीडियो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल देने की। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट मंथ जो अपना विसर्जन जो अपनी यात्रा होंगी वो चलेंगी आपका जो कालका ज्योत वाली जो यात्रा होती है, और जो कि बुलंदशहर से अपना दिल्ली से जो अपना होती है वहाँ पे भी काफ़ी सारे सेटअप आते हैं, तो वो भी यात्रा हम कवर करेंगे। उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे सेटअप आते हैं, 16 बेस 14 बेस के सेटअप वहाँ पे आते हैं। और जिस हिसाब से आज के टाइम में व्यूवर्स की डिमांड हो गई है, तो आप अनुमान कर सकते हो कि हाँ 16-18 बेस का सेटअप आपको दिखने के लिए मिल सकता है। तो जिन लोगों ने यात्रा कवर नहीं की है, मैं उनसे यही बोलूँगा ये यात्रा आप बिल्कुल देखें, काफ़ी अच्छी यात्रा होती है। लास्ट ईयर भी मैंने ये यात्रा कवर करी थी, काफ़ी अच्छी यात्रा रहती है। और इस बार शायद काफ़ी सारे सेटअप आने हो सकते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे और सेटअप आएँ। तो अभी मिलने वाले हैं हम आपको, जितनी भी यात्रा होने वाली है सभी यात्रा में हम आपको अपना व्लॉग वगैरह सभी शूट करेंगे। और इसके बाद मेरे चैनल पर नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ही 2 या 3 काफ़ी अच्छे पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे वो भी आप जरूर देखें। एक हमारा मुरादाबाद का पॉडकास्ट रहेगा, एक मेरठ का पॉडकास्ट रहेगा और एक पॉडकास्ट रहेगा हमारा
आपका बड़ौत भागपत का। तो कोशिश करना, मैं आपको काफ़ी नए नए सेटअप दिखाने वाला हूँ। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी यात्रा में और एक पॉडकास्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।